ओके, तो आज हमारा टॉपिक है जिसमें हम यूज़ करने वाले हैं लेआउट को। अब लेआउट को हमें क्या होता है, जो लेआउट का टैब है वो डिस्क्राइब करता है हमारे इस पेज को। देखिए, बेसिकली हमारे दो पेज होते हैं, एक पेज होता है हमारा हार्ड कॉपी और एक होता है हमारा सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में क्या फ़र्क है? एक प्रिंटेड कॉपी जो होगी, प्रिंटेड कॉपी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी, और उसको सॉफ्ट कॉपी का क्या कह सकते हैं, अ फाइल और डॉक्यूमेंट इनसाइड कंप्यूटर स्क्रीन यूजली सॉफ्टवेयर बेस्ड इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, समझ में आ गया? हार्ड कॉपी क्या होती है, मतलब एक डॉक्यूमेंट आपने जो स्क्रीन के अंदर सॉफ्टवेयर में प्रिपेयर किया, वो आपकी सॉफ्ट कॉपी है फाइल की सूरत में, और अगर उसको ही आपने प्रिंट करके पेपर पे ले लिया तो वो आपकी क्या कहलाएगी, हार्ड कॉपी कहलाएगी। तो ये सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में फर्क होता है। तो पहले हम बनाते हैं सॉफ्ट कॉपी, फिर हम उसको कन्वर्ट करते हैं हार्ड कॉपी के अंदर, मतलब प्रिंट आउट के जरिए। तो अब ये काम कैसे हो सकता है? तो हमारे पास दो किस्म के पेज होते हैं, एक वो पेज है जो हमारी स्क्रीन के अंदर नजर आ रही है जिसको हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी, और एक वो पेज होगा जो हमारे प्रिंटर में लगा होगा। प्रिंटर, प्रिंटर क्या होता है, एक डिवाइस। यहाँ से हम आपको खोल के दिखाते हैं। यहाँ से हम google.com पे गए और हमने यहाँ पे लिखा लेजर प्रिंटर। ठीक है, यहाँ पे एंटर कर दिया हमने। ये देखिए आपके सामने काफी किस्म के लेजर प्रिंटर्स की आ गया। तो ये देखिए प्रिंटर कई शेप के तो होते आज आगे हैं, ये चलते एक हैं। तो आउटपुट सबसे डिवाइस पहले होती है हमारे जो पास जो हमारे आज का डेटा को टॉपिक है, प्रिंट एक करने तो के है काम नो में आती है बाउंड्स इन सी चेकिंग, जो भी इन डेटा सी होता है प्लस जब हम प्लस। उसको प्रिंट आउट करना नो चाहते बाउंड्स हैं चेकिंग सी प्लस आह प्लस का पेपर मतलब के ये है ऊपर, कि आपको तो ये हमें बताया जा एक रहा है इस सी तरह का प्लस डिवाइस प्लस चाहिए डज होता है नॉट जिसको हम प्रिवेंट कहते हैं यू प्रिंटर। फ्रॉम सी ओवर इस राइटिंग सेक्शन एन में एरेज पेपर बाउंड्स। इंसर्ट किए जाते हैं, यहाँ पर सी प्लस पेपर प्लस लगाए जाते आपको हैं, और फिर किसी भी इसको यूएसबी एरेज के केबल जो के साथ बाउंड्स हैं हमारे उसको ओवर राइट कंप्यूटर या करने से डेस्कटॉप नहीं कंप्यूटर रोकता। से कनेक्ट कर अब दिया इसका क्या जाता है, मतलब है, क्योंकि इसको हम भी हम कमांड समझते हैं। अपने इस इसको सॉफ्टवेयर ये में से हमें यहाँ से एक देंगे प्रिंट एग्जाम्पल के की, जरिए तो वो समझा रहा है, इसको इस यहाँ से प्रोग्राम में प्रिंट इसने एक करके एग्जाम्पल इस दी जगह से हमें। वापस भेज देता दिस है। इज ठीक प्रोग्राम है, तो अनसेफली यहाँ पर एक एक्सेस एन सवाल पैदा एरिया होता ऑफ है कि जो मेमोरी पेपर बाय आपने राइटिंग प्रिंटर में लगाया हुआ है इसको वैल्यू हम कहते हैं बियॉन्ड हार्ड एन कॉपी, एरेज और ये जो बाउंड्री। पेपर हमारे वार्निंग स्क्रीन इफ के यू अंदर कंपाइल नजर द आ रहा है सॉफ्टवेयर के अंदर रन नजर इन आ रहा है इसको प्रोग्राम हम कहते इट हैं कुड सॉफ्ट कॉपी। क्रैश। अब बात ठीक ये है, है कि जब मैं ये प्रिंट कह रहा है करना कि इसमें चाहूंगा देखें इसने तो इसके लिए इंटीजर मेन डेफिनेटली रखे, एक मेरे मेन ये वाला फंक्शन जो बनाया पेज है, है जो स्क्रीन के काउंट अंदर इंटीजर है, साइज और जो ये करके वाला पेज है जो एक प्रिंटर में लगा हुआ कांस्टेंट है, डिक्लेयर किया ये है और दोनों सेम इंटीजर साइज के वैल्यूज होने करके चाहिए। एक अगर एरे दोनों का बनाया। साइज सेम नहीं हुआ, इस मिसमैच एरे के हुआ, अंदर तो इसने साइज प्रिंटिंग को लिख मिसमैच दिया हो है, जाएगी। अब इसकी और सेटिंग अब करने के इस लिए हम ये वाला टैब एरे का जो इस्तेमाल साइज करते हो हैं, गया वो इसको तीन हम फिर से एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हो गया। सेटअप ठीक है, करते हैं। तीन तो एरे यहाँ में पे हम इसका बात साइज करते हैं मुश्तमिल है। पेज पेपर यहाँ साइज पे की, बता रहा है तो कि हम पेपर इंटीजर साइज की काउंट एक बात कर इंटीजर रहे हैं, वेरिएबल ये ले हार्ड लिया कॉपी की इसने बात कर रहा हूँ, जो सॉफ्ट कॉपी लूप के के लिए लिए नहीं। यूज होगा। ठीक है, यूजली जो फिर इसने इसके कॉमन अंदर कुछ पांच नंबर को स्टोर करा है। अब इंटरनेशनल यहाँ पे समझाना स्टैंडर्ड क्या चाह है रहा है, पेपर एरे का का, साइज है जिसका तीन, मतलब इंटरनेशनल इसके अंदर स्टैंडर्ड एलिमेंट बनेंगे कितने, तीन ऑफ एलिमेंट पेपर बनेंगे। फॉर ऑफिस और ये कम्युनिकेशन, जो लूप चला रहा है इसके ऑफिस अंदर जिस तरह से डेटा स्टोर करा रहा है उसमें वो कम्युनिकेशन, ऐड करा ऑफिस रहा है कितने कम्युनिकेशन का मतलब ये एलिमेंट्स, होता है कि जितने फाइव भी एलिमेंट, रापते लेटर फाइव वैल्यूज को एप्लीकेशन ऐड करा थीसिस रहा है। नोट्स वगैरह लिखे अब जाते होगा हैं, क्या, आई विल स्टोर और फाइव फिर ये जो नंबर्स लिखा पेपर हुआ का आएगा साइज इंटरनेशनल और फोर स्टैंडर्ड है करके वो लूप है चलेगा। A4, जैसे फोर A4 करके लूप चलेगा ये तो पेपर जीरो का से फोर साइज से का जब लूप नाम है। स्टार्ट होगा अब इसका एंड होगा साइज फोर क्या के है, ऊपर, इसकी तो ये लूप डायमेंशन क्या तकरीबन बनती पांच है, बार चला। अगर इसकी डायमेंशन हमें जब ये जानना है लूप तो साइज पांच लिख बार दो, और हम चलेगा बता रहे हैं कि इसकी तो यहाँ डायमेंशन पर A4 वैल्यूज क्या है, में यहाँ पर काउंट लिखा रहा है, वैल्यूज में A4 काउंट लिखा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है 8.27 इंच का कि है, वैल्यूज के 11.69 ये आगे इसका काउंट साइज है, है। इसका मतलब वैल्यूज 8.24 की जो वैल्यू फर्स्ट टाइम इंच में मेंबर एक्सेस बाय होगा वो जीरो होगा, एट जीरो में जाके क्या हंड्रेड होगा, 11.264 अपडेट हो जाएगा। फिर दूसरी दफा इंच। में यहाँ ठीक है, वन हो ये जाएगा इसका तो इसके पहले डायमेंशन एलिमेंट है, में हंड्रेड हो ये जाएगा, A4 टू पेपर में की हंड्रेड हो डायमेंशन है जाएगा। कि अगर आप A4 लेकिन पेपर का यहाँ पे नाम लूप दे रहे स्टॉप हैं, नहीं हो रहा, इट मींस आप कह रहे हैं कि तो लूप इसकी क्या जो करेगा, विड्थ होगी, इसके चौथे मतलब एलिमेंट एट में विड्थ भी होगी, और तो भी मैं पांचवे इसको एलिमेंट लमसम में कर भी सकता हूँ, हंड्रेड स्टोर कर देगा। 8.5 बाय अब यहाँ पे वही बात समझाना 11.5 चाह रहा है कि जब ठीक है, एरे का साइज इंचेस में आपने रखा इस तरह से थ्री आप कहेंगे तो इसकी जो एरे के विड्थ बाउंड्स होगी, कहलाएंगे तीन, यानी कि इस कितने पेपर की बाउंड्स जो विड्थ कहलाएंगे, होगी वो कितनी तीन। होगी, 8.5 और होगी, और जो इसकी हाइट कर होगी दिया, वो ये होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये पेपर आपको मार्केट में दस्तयाब होगा। अगर आप कहेंगे किसी दुकान वाले को कि मुझे A4 पेपर दे दें, तो वो आपको इस डायमेंशन का, इस साइज का पेपर देगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं कि अगर हमारे पास दूसरा कोई पेपर है जैसे लेटर, इसका भी साइज इसके साइज करीब करीब है, बस लेटर पेपर में और A4 पेपर में, लेटर इज द मेजरमेंट यूनिट, मेजर इज द नेम ऑफ पेपर, और इसका जो साइज है 8.5 बाय 11, यानी कि ये बस थोड़ा सा वेरिएशन के साथ आता है, लेकिन ये दोनों एक ही कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं। बाकी इसके अलावा जो दूसरे पेपर हैं वो या इनसे छोटे हैं या साइज में बड़े हैं, जैसे टेबलॉइड 11 बाय 7, यानी कि इसकी विड्थ होगी कितनी, विड्थ मतलब ये इसे चौड़ाई होगी इसकी 11, और हाइट होगी इस पेपर की 17 इंच। लीगल,
लेजर, लेजर जो पेपर है 17 इंच इसकी विड्थ होगी और 11 इंच इसकी हाइट होगी। लीगल 8.5 इंच इसकी विड्थ होगी, 14 इंच हाइट होगी। ये पेपर भी जो है इसके ही कैटेगरी में आता है, और लेकिन बस इसमें सिर्फ विड्थ तो सेम है लेकिन इसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा है। और इसके अलावा टेबोलाइट हो गया, और एक हो गया, एक और पेपर है इसके अंदर जिसका नाम होगा स्टेटमेंट ए 5.5 बाय 8.5 इंच। तो यहाँ से जिस तरह के पेपर साइज हमें दिए गए हैं, अगर उसी साइज का पेपर हम लगाएंगे अपने प्रिंटर, तो यहाँ पर हमारा जो एरे का साइज है वो 3, ये पेपर है तो उसी साइज का 3 साइज है, और उसकी लूप को हमने 5 बार चला लिया। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम के नो बाउंड्स चेकिंग इन C++। इसके अलावा मैं C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो इस प्रोग्राम को एरर दे और रोक दे कि आपने एलिमेंट तो 3 डिक्लेयर किए हैं और डेटा आप 5 एलिमेंट में डाल रहे हैं। ठीक है, अगर आप अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये, तो इसको समझाने के लिए आपको इसने एक बात समझाइए, और वो बात ये बताइए कि देखें मेमोरी में कुछ इस तरह के ब्लॉक्स बने हुए होते हैं। जब आपका प्रोग्राम चलेगा अगर आप तो वो इस मेमोरी के 1, 2, 3, 4, 5 ब्लॉक या 6 ब्लॉक या 500 ब्लॉक में से 3 ब्लॉक रिजर्व करेगा आपके एरे के लिए, जिसमें वो पहले वाले का नाम रखेगा 0 और दूसरे का नाम रखेगा 1 और दूसरे का नाम रखेगा 2। साइज ही नहीं पता। जब लूप चलेगा तो पहला वाला इसमें 100 असाइन होगा, दूसरा वाला इसमें 100 असाइन होगा, तीसरा वाला इसमें 100 असाइन, बता देगा। बट लूप तो रुक ही नहीं रहा, ऐसा कोई पेपर लूप चौथे में भी जाएगा और पांचवे में भी जाएगा। नहीं पता कि चौथा वाला और पांचवा वाला एरिया आप रूलर कहते हैं, पहले पेपर की हाइट नाप लेनी है और एरे है उसके लिए रिजर्व नहीं है, विड्थ नाप लेनी है, तो फिर ये किसके लिए रिजर्व होगा? ठीक है, तो जैसे ही इसका जवाब ये है कि भाई हो सकता है इसमें कोई और डेटा सेव हो, जो आई थी, मतलब देखे ना कितनी आई, यू समझे, और ये एक होटल है उसके अंदर 500 कमरे हैं, कितने कमरे बन गया 6, 500 कमरे हमारी मेमोरी है 6 by 18। अब हमें नहीं पता उन 500 कमरों में कौन रहता है, हमने जाके होटल में कहा पेपर साइज कि हमें 3 कमरे चाहिए, होटल वाला क्या करेगा, पेपर अपना रिकॉर्ड चेक करेगा और उन 500 कमरों में से जो 3 कमरे खाली होंगे वो हमें दे देगा। हाइट में क्या लिख देंगे 8। तो अगर हम 3 लोग हैं तो पहला आदमी पहले कमरे में जाएगा हमारे पेपर जो खाली है, दूसरा आदमी दूसरे कमरे में जाएगा जो खाली है, जो तीसरा आदमी तीसरे कमरे में जाएगा जो खाली है। अब हमें नहीं पता ये जो 3 कमरे हमें मिले हैं ये तो खाली है, लेकिन इसके आगे वाला, इसके पीछे वाला, इसके लेफ्ट बैक साइड वाला और इसकी फ्रंट वाली रो में जो कमरे हैं आइदर वो खाली हैं या उसमें कोई रह रहा है। और यहाँ से भी नोट कर लें, ये हो गया, हमें तो नहीं पता होगा ना, आई थिंक 2, लेकिन हम 5 बंदे रह जाएं और कहें कि आप 5 कमरे लाइन से रिजर्व कर लो, माइट भी ऐसा हो सकता है कि जब चौथे कमरे में जाएं तो उसमें पहले कोई रिजर्वेशन हो, इसके मार्जिन में जा रहा है ये, और 5 में कोई रिजर्वेशन हो, इनको हम कहते हैं मार्जिन साइन। इससे क्या होगा, एक तजाद पैदा होगा, तो आपने देखा लड़ाई हो सकती है, डॉक्यूमेंट शुरू या कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है, सेम सिचुएशन यहाँ पर है कि आपकी मेमोरी में डेटा तो ऑल टाइम होता ही है, तो जब आप एरे डिक्लेयर करके प्रोग्राम चलाते हैं तो मेमोरी में से वो 3 एरिया उसने निकाल ली जो खाली थे, लेकिन लूप जा रहा है चौथा और पांचवा ब्लॉक भी रिजर्व करूं, तो जब लूप रिजर्व करेगा तो डेफिनेटली लूप चौथे वाले में भी और पांचवे वाले में भी असाइन कर देगा। लेकिन अगर चाहे उसमें कोई पहले से डेटा हुआ, कोई गेम का, कोई टेक्स्ट फाइल का, कोई नोटपैड का या कोई प्रोग्राम, कोई और डेटा उसमें स्टोर होगा जिसका था, तो वो उसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा और दूसरे पेज के, इस वजह से हमारा अब नुकसान हो सकता है। A4 पेपर तो सी में मतलब मेरे जो प्रिंटर में पेपर लगा हुआ है वो ये सिस्टम लैंग्वेज में है ही नहीं कि नो बाउंड चेकिंग हो रहा है कि यार ये तो अगले कोई भी उसमें ये मैकेनिज्म नहीं है C++ में कि वो चेक करे और चेक करके बताए कि भाई आपने तो 3 में डाला था, लूप 4 में डाला है, एरर दे रहा है, एरर नहीं देगा, प्रोग्राम चल पड़ेगा, 4, 5 की जगह 500 में भी फिल कराएंगे, वो डेटा डाल के आ जाएगा, आप पता नहीं प्रोग्राम कहाँ पे कैसे क्रैश करता है हमें पता चलेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें कह रहा है कि नो बाउंड चेकिंग इन C++, और इसे एग्जांपल के जरिए इसने हमें समझाया। फिर एक बात कह रहा है वॉच ऑफ, वॉच फॉर ऑफ बाय वन एरर, स्क्रीन के अंदर बड़ा वॉच ऑफ, इसका वॉच फॉर ऑफ बाय वन एरर। अब ऑफ बाय वन एरर क्या होता है, में भी A4 रखा हुआ है, इसको समझे नहीं चाहिए। अब आपने करना ये है कि देखें सेकंड स्टेप है वॉच बाय ऑफ एरर, ये होता है मिसाल के तौर पे दी सीरीज ऑफ सीरीज ऑफ ब्रांचेस एंड स्प्रेड कॉमा मार्जिन लाइन, जो कि हम फ्री छोड़ते थे, एक ब्लैंक। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं, मिसाल के तौर पे आपने कांस्टेंट डिक्लेयर किया 100 का और उसमें एक एरे बनाया जिसके 100 एलिमेंट्स बनाए, लेफ्ट मार्जिन। अब हमें बताएगा अमान के जो 100 एलिमेंट बनेंगे एरे, उसका पहले वाले एरे के एलिमेंट का नाम क्या होगा, चाहते हैं तो मार्जिन जीरो,
और आखिरी मतलब वाले कि का क्या आप होगा आप वन बताइए, इंच का मार्जिन चारों तरफ से छोड़ते हैं, यानी कि 1 inch फ्रॉम लेफ्ट 99 साइड, होगा ना 1 inch जब फ्रॉम स्टार्ट हो राइट रहा है जीरो साइड, से, तो टॉप लास्ट राइट वाला क्या एंड होगा बॉटम साइड, 99। ये तो इंटरनेशनल मेमोरी में स्टैंडर्ड से है। 100 तो ब्लॉक क्या बन जाएंगे। पेपर फाइल में ओके गेट हो रहा अब ये है, जिस मुड़ एरर रहा की है बात या कर रहा है खोल ऑफ रहा है, बाय आपका वन एरर, टेक्स्ट बीच देखो का यहाँ पे कुछ खराब समझ में आ रहा है ऑफ ना बाय हो। वन, लेकिन अगर मतलब हम इस एक मार्जिन को नैरो रह कर गया, देंगे तो 0.5 inch, एक रह मतलब गया इस आधा एरर आधा का नाम इंच का रखा है था, एक मार्जिन रह आप गया ऑफ चारों बाय तरफ वन से एरर। भी छोड़ सकते हैं। अब ये और एरर ये क्या होगा, देखिए अक्सर आपका हम कोड टेक्स्ट इस करते पे हुए बना हुआ है, गलती क्या करेंगे, जैसे वो होंगे गलती मेरे ये करेंगे, समझ लाजमी लेना, बात है कि भाई अगर मैं कमरे के हमने फोर अंदर का लूप चलाया ज्यादा और वहां पे स्पेस एक किसी चीज काउंट में की वैल्यू कंज्यूम को कर लूंगा स्टार्ट तो किया कम वन लोग से बैठ और उसको सकेंगे, लेगा और लेस देन स्पेस में साइज फ्री कर इक्वल टू दूंगा तो साइज अलग तक। बैठ सकेंगे, अब इसी मुझे तरह ये से जब अदील मैं अपना बताएंगे, अदील ये मार्जिन लूप ज्यादा कितनी बार रखूंगा तो चलेगा, टेक्स्ट शिफ्ट होगा अगले पेज के ऊपर, ये देखिए 1 inch पे शिफ्ट हो वन गया टाइम अगले पेज चलेगा पे इमरान? और आधा इंच पे शिफ्ट हो गया वो वापस नाइनटी इसी नाइन पेज बार के ऊपर। चलेगा अब ओके सवाल ये मेरा अमान, आता है, ये तो सर दो किस्म के हंड्रेड मार्जिन थे टाइम पर चलेगा मेरी ना, अपनी मर्जी का मार्जिन देखें कैसे स्टार्ट शिफ्ट होगा, करेगा अगर वन मैं से लेफ्ट मार्जिन ज्यादा और खोल लेस देता देन था के और आगे इनकम इक्वल छोड़ भी तो देता था, लगाया हुआ है उसने, तो इसके लिए हम चले जाते हैं फिर या तो कस्टम वो मार्जिन पे। साइज तक कस्टम चलेगा मार्जिन पे या तो आप साइज डिटेक्ट से एक कर स्टेप सकते हैं पीछे, उसमें किस लेकिन तरह से स्टेप एंट्री पीछे तो करेंगे। जाएगा नहीं, वन पूरा मीन्स हंड्रेड कर वन लेगा वो इंच अपने यहाँ पे, पॉइंट तो फाइव ये लूप इंच चलेगा हाफ 100 बार इंच पॉइंट और टू 100 फाइव बार में हाफ एंड ये हाफ काउंट अपनी वैल्यू को अपडेट करेगा, लेकिन स्टार्ट करेगा कहाँ से, और वन से, पॉइंट सेवन फाइव वन टू क्वार्टर, थ्री फोर फाइव और 100 टाइम में 100 दफा अपनी और वैल्यू को इस तरह से अपडेट कोई भी करेगा। वैल्यू लिख सकते अब हैं, यहाँ पर इवन नंबर्स लिखा इसने एरे का नाम 1.15 भी लिख और सकते इसके हैं, 1.5 सब भी स्क्रिप्ट के लिख अंदर सकते लिख हैं, दिया काउंट, 1.25 भी लिख सकते तो हैं, काउंट जो इस तरह है से वो कोई ये भी वेरिएबल है। मार्जिन आप डिक्लेयर कर सकते और हैं इसके फॉर आगे एग्जांपल असाइनमेंट क्या कर लूप दिया, वन, जीरो, कैसे करेंगे इस मार्जिन को, यानी कि फर्स्ट मैं टाइम में टॉप जब का लूप मार्जिन चलेगा इतना कम रखना तो चाहता हूं तो नंबर्स टॉप का के मार्जिन कौन मैं रख से सकता हूं एलिमेंट में जीरो असाइन होगा, 0.25, आप बताइए बेटा, पहले 0.25 एलिमेंट में जीरो असाइन हो जाएगा ओके, जीरो अबू पॉइंट बकर, कौन टू से वाले फाइव एलिमेंट ईवन में अपर का जीरो मार्जिन असाइन छोड़ दिया, होगा, बॉटम का भी 0.25 छोड़ दिया, लेफ्ट बिलाल मार्जिन मैंने 1.1 छोड़ फर्स्ट दिया वाले और में, राइट मार्जिन अदील मैंने 0.5 छोड़ दिया, दिस इज कॉल्ड कस्टम मार्जिन सेटिंग, और ओके करूंगा तो अब मेरे फर्स्ट मार्जिन उस हिसाब लास्ट से वाले सेट में, हो जाएंगे, ये ज्यादा हो गया और हाँ ये भाई कम हो अमन गया। तो इस तरह से आप अपने फर्स्ट मार्जिन को वाले में भी असाइन होगा अपने जीरो, हिसाब से सेट कर सकते हैं। क्या बात हाँ भी समझ में आ गई। फाइनली हम आते हैं कौन से ओरिएंटेशन की एलिमेंट में जब तरफ, पहली दफा लूप चलेगा ओरिएंटेशन तो क्या कौन से होती है, एलिमेंट में पेपर की जीरो असाइन ओरिएंटेशन हम होगा, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, किस तरह से सेट कर सकते हैं, जैसे फॉर हाँ एग्जाम्पल भाई यूजुअली जितने भी जीरो डॉक्यूमेंट्स में हैं, असाइन होगा, लेटर, सीवी, तो एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट, आपका थीसिस, जवाब भी गलत नोट्स, है, ये सब हम आपका जवाब भी पोर्ट्रेट, गलत है, जीरो ने कहा वन। पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट देखिए मतलब ना अगर इस तरह फर्स्ट से टाइम में डॉक्यूमेंट काउंट की को वैल्यू वन प्रिंट है करते हैं इस तरह और से, नंबर्स के ठीक आगे है, काउंट है दिस इज कॉल्ड तो पोर्ट्रेट नंबर्स प्रिंटिंग जो के ऑलरेडी पहले हमारा पेज सेट हुआ हुआ है एलिमेंट में, जिसमें हमारे पेज पहले की एलिमेंट हाइट ज्यादा मतलब होती है, जिसका विड्थ कम होती नाम है, वन एक है डॉक्यूमेंट का उसमें जीरो साइज है, असाइन होगा, लेटर, सीवी, एक्चुअली वो एप्लीकेशन, दूसरा एलिमेंट डॉक्यूमेंटेशन, होगा, थीसिस, नोट्स, इस तरह से हम प्रिंट करते हैं। लेकिन भूल गए, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको प्रिंट करने के लिए हमें अपने पेपर को इस पोजीशन में लाना पड़ता है जिसको हम इसी कहते एरर हैं को हम कहते हैं लैंडस्कैप। ऑफ बाय लैंडस्केप पोजीशन क्या होती है, क्या है, यानी कि आप पेपर ऑफ को बाय जैसे वन अपना एरर, लैंडस्केप करेंगे गलती तो हम यहाँ पे पेपर की करेंगे, हाइट जो है बिकम मतलब विड्थ हो जाएगी हमने और एक होटल पेपर की में गए विड्थ बिकम और हाइट कमरे हो बुक कराए जाएगी, तो 10, पेपर हमारा ठीक कुछ है, इस तरह से कमरों के जो डायमेंशंस पे नंबर शो थे होगा, वो थे जीरो, यानी कि अब तो इसकी आखिरी कमरे हाइट का हो नंबर गई था 9, अब हम 10 साढ़े लोग थे आठ इंच और 10 और को कहा इसकी जो कि विड्थ हो भाई ये गई तुम्हारा वो पहला हुई कमरा है, सेवन तुम्हारा पॉइंट दूसरा फाइव कमरा इंच है, तीसरा तो इस कमरा तरीके तुम्हारा से है ये आपका और लैंडस्केप साइज हो दसवां गया। कमरा लेकिन हम तुम्हारा है, लेटर, सीवी, एप्लीकेशन, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन, थीसिस तो इस 9 तरह से लोग तो प्रिंट चले नहीं गए अपने करते, कमरे में, इस दसवां तरह बोल से रहा है प्रिंट 10 तो करने है के ही लिए नहीं, कोई सर्टिफिकेट दसवां कमरा तो है या ही कोई नहीं, मैगजीन का तो कवर इस तरह पेपर का या कोई एरर कवर जिसमें पेज आप वो पहले प्रिंट करते एलिमेंट हैं, को भूल ठीक है, जाते तो ये हैं फिर प्रिंटर अपनी को इस तरह से असाइनमेंट प्रिंट के कर दौरान, देगा, क्योंकि हम सोचते हैं बाकी ह्यूमन वन जितने भी से डॉक्यूमेंट और जो है प्रोग्राम काम नॉर्मली हम करता है अपने जीरो पोर्ट्रेट से, में इसी तरह तो से इस प्रिंट तरह के करते एरर होंगे। को हम कहते कुछ हैं एग्जांपल ऑफ दिखाता बाय हूँ, जैसे मैं वन आपको दिखाता हूँ एरर, सही है, तो मैगजीन, ये एरर पूरा नहीं कवर भरेगा, पेज, ये एरर भरेगा लैंड 99 ब्लॉक, स्कैप, जो जीरो एलिमेंट है यानी कि जो एरे का पहला ये एलिमेंट है देखिए उसको ये स्किप कर कवर पेज जाएगा, हमेशा, तो ये वो इस तरह के A4 की स्किप कर पेपर है देने के लेकिन एरर इसपे को हम कहते लैंडस्केप हैं करके बनाया ऑफ गया है तो बाय विड्थ ज्यादा होगी और वन इस तरह एरर, से प्रिंट होगा, यही समझाना था आपको, सही है, ये देखिए, ये और पूरी इसका कहानी आपको मैं पोर्ट्रेट भेजूंगा व्यू है, पढ़िएगा, ये यही इसका जो मैंने लैंडस्केप आपको व्यू सुनाई है है, वही इसमें होगा, ये सारे ऑफ लैंडस्केप बाय बना रहे वन हैं, एरर ठीक है, समझ में आ गया, नो तो बाउंड इस शेकिंग तरह समझ से में आ आप गया, मुख्तलिफ पर आसान सी डिजाइंस बात को है, लैंड नो स्केप बाउंड कर सकते शेकिंग हैं, ये कि इवन एरे की जो मैगजीन लिमिट कवर है के अलावा उससे सर्टिफिकेट तो ज्यादा खुद डेटा ऐड कराने मैक्सिमम को नो इसी बाउंड में शेकिंग कर कहते रहे हैं, होते हैं और जो लैंडस्केप, एरे के ये एलिमेंट से पोर्ट्रेट पहले व्यू इस है, ये इसका एलिमेंट को लैंडस्केप स्किप है, करके वन से ठीक, डेटा को क्लियर फिल हुई कराने पोर्ट्रेट एंड को लैंडस्केप, यहाँ नो, से आप कर क्या है रहे मैं हैं। हर दफा भूल जाता हूँ, ऑफ बाय अच्छा, वन एरर अब ये कहते हमारा हैं, काम जो ठीक है है, सारा चल रहा है अब ये एक चेक पॉइंट से कॉलम ही में, आपको वन असाइनमेंट के कॉलम तौर में पे काम दूंगा, हो रहा है, अगर आपने उसको कॉलम को घर दो से कॉलम सॉल्व में करके डिवाइड मुझे करना भेजना है, चाहें, पढ़ पढ़ के, ठीक तीन है, कॉलम में डिवाइड वो भी करना बताऊंगा चाहें कैसे करना है, और अभी आ मजीद रहा है हमारे जितने पास आज कॉलम्स का में टॉपिक डिवाइड है करना चाहें एरे यहाँ पे, एन
कहते हैं ना, आओ हम अपने नए दौर की शुरुआत करते हैं। नए दौर की शुरुआत कैसे होगी कि हम नए तरीके से कोई काम करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है एरे के अंदर वैल्यूज को पहले से सेट कर देना। ये वाला जाया, अभी तक हम जो एरे के अंदर वैल्यूज एडजस्ट कर सकते दे रहे थे वो लूप के जरिए दे रहे थे और लूप के जरिए आउटपुट ले रहे थे। अब हम एरे में खुद से वैल्यू डालना चाह रहे हैं तो उसके वैल्यू को जो हम डालेंगे उसको हम कहेंगे एरे। कॉलम्स पे जाएं, इसको टू कॉलम्स में क्लिक। होटल में कमरे थे, एरे तो बना हुआ था। अब है कि कमरे में हमने किसी में दो आदमी भेज दिए, किसी में तीन आदमी भेज दिए, किसी में चार आदमी भेज दिए। तो ये हमने कमरों को इनिशियलाइज करना शुरू कर दिया। कमरों को इस तरह से इनिशियलाइज करना शुरू कर दिया। इस तरह हम एरे को इनिशियलाइज कैसे करेंगे? हमने एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया मंथ्स के नाम से, 12 की वैल्यू रखी और एक एरे बनाया डेज के नाम का, उसमें मंथ्स को रख दिया। तो एरे के कितने एलिमेंट बनेंगे बेटा? फ्लैट करके लेआउट पे जाके कॉलम्स को वन कॉलम करेंगे तो ये रिलीज हो गया। एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया मंथ्स के नाम से, उसकी 12 वैल्यू रख दी और एक एरे डिक्लेयर किया डेज के नाम का, उसके अंदर मंथ्स को रख दिया। पेपर मंथ्स को जब इसके अंदर रखा तो इस एरे के कितने एलिमेंट बनेंगे? उसकी ओरिएंटेशन कैसे सेट करनी है, मार्जिन कैसे सेट करना है, शाबाश बिलाल, कॉलम्स पे कैसे सेट करना है। तो अब जब भी कोई 12 ही बनेंगे, जब इसकी वैल्यू 12 थी इसको उठा के रख दिया। डॉक्यूमेंट को प्रिंट कौन से पेपर पे करना है? अगर तेरे अब्बू ने तुझे एटीएम कार्ड दिया और उसमें 2000 रुपए डलवा दिए, तेरे पास कितने पैसे हुए? लीगल पे करना है तो लीगल पे रखेंगे, फिर 1000 हुआ 2000 हुए, सेट कर लेंगे 2000 ना। फिर आप ये समझ ले एटीएम कार्ड है, इसके अंदर डाले 12 और ये 12 तेरी जेब में डाल दिया, देश तेरा पॉकेट है, समझा? तो ये एरे का नाम है और ये